हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है तुम लोग का एक और वीडियो में GTA ऑनलाइन के कायो परिको हाइस्ट के पार्ट 8 में आई थिंक। सो मैं करने वाला था डायरेक्ट फिनाले, सो मैंने फिनाले रिकॉर्ड करने का ट्राई भी किया था, बट आइलैंड में जाके बहुत ज़्यादा ही भसड़ मच गई, ठीक है। सो मैंने देखा कि और क्या क्या ऑप्शन है करने के, तो फिर उसके बाद में फिर से गया था आइलैंड में स्कोपिंग करने के लिए। तो मेरे को एक ड्रेनेज पाइप मिला है एंट्री पॉइंट, सो उसके लिए अलग थोड़े सेटअप्स हैं। सो मैं सोच रहा हूँ जो भी पॉसिबल सेटअप्स हैं अपन सब कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी देखेंगे फिनाले कैसे करना है, तो अभी देखते हैं। अभी मैं सोच के रहा हूँ प्रेप में एक जाके इक्विपमेंट में जाके हमको चाहिए कटिंग टॉर्च, तो चलते हैं लेके आते हैं कटिंग टॉर्च को, हाइस्ट प्रेप कटिंग टॉर्च। अपन जब तक सारी की सारी स्कोपिंग नहीं करेंगे ना आइलैंड पे, तब तक अलग अलग प्रेप भी शो नहीं करता है, तो ये अच्छी बात है प्रेप शो कर रहा है। अब जाके करते हैं इसको भी, जितने पॉसिबल प्रेप से अपन सब करते हैं ताकि हाइस्ट बिना किसी भसड़ के आराम से हो सके ख़त्म, है ना। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग को आराम से दिखाऊं कि कैसे तुम आराम से इजीली कर पाओ ये हाइस्ट, देखते हैं चलो। तो अब हमको जाना है कटिंग टॉर्च लेने, और वो है भाई लॉस सैंटोस में। ये हमारी जो भी है ये सबमरीन इतनी दूर की होती है पता नहीं। ओके अच्छा, मेरे को ऐसे लग रहा है अभी हम जा रहे हैं जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है ना उधर, यस उधर ही जा रहे हैं, और उधर से हमको चुरानी है ब्लो टॉर्च। ओके सैड, देखते हैं कैसे जाता है ये प्रेप। भसड़ तो आने वाली है बहुत वहाँ पे, ये तो पक्का है। ये बर्फ़ बिल्कुल पसंद नहीं यार मेरे को, बिल्कुल भी नहीं। सोच रहा हूँ एकदम साइलेंट और स्टेल्थी मिशन करूँ पूरा जो फिनाले होगा, है ना। अभी जो मैंने इसके पहले ट्राई किया था रिकॉर्ड करने का, मैं गया सीधा अंदर और गोलियां चलानी शुरू कर दी, तो सारे के सारे गार्ड्स अलर्ट हो गए और धोने आने लगे। एक अजीब सा जगरनॉट टाइप भी बंदा होता है वहाँ पे जो मिनीगन लेके आता है, तुरंत मार देता है तुमको। इतना दिमाग ख़राब हुआ मैंने रिकॉर्डिंग करी फिर उसके बाद तुरंत और देखने गया भाई और क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं जिससे तुम एंटर कर सकते हो हाइस्ट के लिए, है ना। सो देखते हैं, जितना स्टेल्थी वाला तरीका होगा ना उतना बेटर है, क्योंकि तुमने एक बार तुम्हारा सामान कलेक्ट कर लिया उसके बाद भी जब तुम बाहर निकलोगे वहाँ से तो भी गार्ड्स तुम्हारे पीछे पड़ेंगे ना, स्टेल्थ सबसे बेस्ट है। ओके तो हम पहुँचने वाले हैं जहाँ पे हमको जाना है वहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन साइट वाला बिल्डिंग है पता नहीं कितने सालों तक कंस्ट्रक्शन चलेगा इसमें। अपन आर्मर लगा लेते हैं तीन, ठीक है। ओके बिल्डिंग तो यही सामने वाला है, पर मेरे को ऐसा लग रहा है नीचे जाने को बोल रहा है। अपन सीधे इधर से जाके ले सकते हैं जो भी हमको चाहिए पता नहीं। ओके व्हाट द हेल, क्या था ये नाटक। ओए नाइस, ठीक है ऊपर स्पॉन किया इसने, ठीक है। ओके गार्ड्स किधर हैं पर। ये एल रूबियो के गार्ड्स इधर क्या कर रहे हैं पर। ओके वहां पे दिख गया मेरे को, दो बॉक्सेस हैं, हट साले। ओहो बहुत चुलक तुमको,
साले गया। ओके एक इधर है, इधर भी नहीं है, इधर भी एक बॉक्स था आई थिंक। यस ये रहा, सर्च फॉर अ टूल बॉक्स। ये दो तो देख लिए मैंने, अंदर देखते हैं। टूल बॉक्स, टूल बॉक्स। ओके इधर भी एक है, पीछे भी एक है। कौन सा है बे? कलेक्ट टॉर्च। ओके मिल गया, ठीक है चलो। नाइस, बहुत बढ़िया। सो अब अपन नीचे उतर के ना बुला लेते हैं हमारी ऑपरेशन, ठीक है। ठीक है अब मोटरसाइकिल क्लब नेमेसिस नहीं, अबे डिस्ट्रॉय हो रखी है फक। मॉर्स म्यूचुअल को कॉल करो फटाफट। Hello, this is Morse Mutual Insurance. I can do that. Oh, bhai. Holy shit. Hut, 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 hut. Itta dur ka. Park ho gaye to. Kato. Bhai, kya bachao main ekdam end mein? Lol ho jata bhi bahut zyada nahi to. ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं था टफ। अब हमको जाना है वापस से हमारी सबमरीन पे जो 940 किलोमीटर दूर है हमसे, बहुत ही ज़्यादा। इन्वेंटरी, बॉडी आर्मर यार सेव करके रखते हैं आर्मर। चलो यहाँ पे कहीं पे दुकान है क्या आर्मर वार्मर की? आगे जाके शायद आएगी। यस इधर दुकान है, तो इधर उधर पर दुकान में रुक लेंगे हम। दुकान में रुक के फिर आर्मर खरीद लेंगे और जितने पॉसिबल हो खरीद रहे हैं। देखो एक तो बर्फ ऊपर से रात बहुत बेकार लगता है रियल लाइफ में, ऐसा भाई दिमाग खराब हो जाएगा रात में बर्फ में कहीं चलना पड़े तो दिमाग खराब, या कहीं जाना पड़े बाहर तो। एक बार ट्राई करके तो देखना है भाई कैसा लगता है बर्फ में। देखते हैं, इधर तो होती नहीं भाई बर्फ, बाहर ही जाना पड़ेगा उसके लिए। ऐसी प्रॉपर जैसी गेम में या फिर पूरी चादर जैसी जो ढक जाता है ना पूरे एरिया, वैसी बर्फ तो भाई बाहर ही मिलेगी। बताओ कितनी गलत बात है ना। आओ धुआं फैलाते हुए जाए और क्या, ये अच्छा लग रहा है ना वाइट वाइट बर्फ में लाल लाल धुआं। ओके वेरी नाइस, बस पहुंचने ही वाले हम सबमरीन को। पता है दिक्कत क्या है, मैं सबमरीन को मूव भी इसलिए नहीं करता, सबमरीन को मूव करोगे ना उसको मूव करने के लिए अलग लगते हैं पैसे, 10,000 के आसपास कुछ। हर चीज के पैसे चाहिए इस गेम को भाई, बहुत ही ज्यादा मनी हंगरी होता जा रहा है गेम, आप पता नहीं क्यों। ये क्या है भाई, वो क्या था? उधर मैं कभी गया नहीं हूँ और वो क्या था? पहले सबमरीन में देख के आ जाते हैं बोल्ट कटर, ताकि मिशन में कुछ दिक्कत ना हो, उसके बाद जाके अपन आर्मर खरीद लेंगे, है ना। अच्छा ओके रूबियो भैया खतरनाक आदमी है बड़ा। एंटर, चलो फाइनली मेरी पूरी व्हाइट टी शर्ट हो गई रेड रेड, वेरी नाइस।
नाइस, क्रू रैंक 159 हो गई हमारी, बहुत बढ़िया। एक सेकेंड, इधर ही जाना है ना। मैं भूल जाता हूँ यार, बताइए बताओ यार क्या नाटक है। लग तो रहा इधर ही जाना है। ऊपर है कि स्पैरो इधर वापस आ चुका है। वेरी नाइस, स्पैरो मैंने इस बार लेके गया था क्या? हाँ लेके तो गया था स्पैरो मैं इस बार भी, हाँ कहीं फेंक के आ गया था मैं फिर से। तो फाइनली हाइस्ट प्रेप हो चुका है कंप्लीट हमारा, ठीक है। नाइस, कौन सा वाला था वो? यस, इसमें अभी भी ब्लड क्यों लगा हुआ है पता नहीं, ठीक है देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक जब अपन रिफ्रेश कर आएंगे तब सही हो जाएगा। इसकी आँख वाँख में देखो मुक्के उक्के पड़ रखे हैं ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये था एक और हाई स्प्रैप। अब मेरे को पता नहीं और क्या बचा हुआ है, देखते हैं। ठीक है, अपन लॉन्च कर सकते हैं क्या ये देखते हैं। एस्केप पॉइंट्स, प्रेप हो चुका है सब कुछ, वेपन हो चुका है ये वेपन्स। ओके ठीक है, ये जो भी है गलती चालू हो गया, मैं इसको खत्म कर दूंगा बाद में, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा अलविदा, गुड बाय बाय।